हेलो, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनीत ब्लॉग्स में। अभी मैं तलेगांव में हूं और हमारे पीछे जो कंपनी है वो जेसीबी है, जो कि पुणे टॉप कंपनी में से एक है। तो यहां पे भी डिप्लोमा आईटीआई और बीटेक कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। बीटेक डिप्लोमा के लिए कभी कभी वॉकइन इंटरव्यू भी रहती है, और नहीं तो आपको ऑनलाइन लिंक्डइन और Naukri.com के थ्रू आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल सकती है। वॉकइन इंटरव्यू रहती है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आईटीआई के लिए यहाँ पे आपको मेटेरियल गेट से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जॉब मिल सकती है। ज़्यादातर जिनको वेल्डर का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको 16 से 18 हज़ार 8 घंटे की ड्यूटी आराम से मिल जाएगी। बस कैंटीन की फैसिलिटी रहेगी, 2-3 कैंडिडेट आप साथ में एक रूम लेकर के तलेगांव में डीसी के अंदर या फिर तलेगांव निगड़ी देव रोड कहीं भी रूम लेकर के रह सकते हो, आपको सस्ता पड़ेगा और यहाँ पे ड्यूटी कर सकते हो। तो अभी हमारे पास बजाज में रिक्वायरमेंट है बीटेक और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, जो 2024 के पास आउट है या फिर जिनका बैक पेपर लग चुका है लेकिन 2024 के ही पास आउट चाहिए, चाहे फेल हो या पास हो। यदि आप पास भी हो चुके हो, आप पास आउट हो चुके हैं तो अच्छी बात है। यदि आपका बैक पेपर है लेकिन 2014 में आपका कंप्लीट होने वाला था तो भी आपकी बजाज में जॉब लग सकती है नेप्स के थ्रू। तो आपको स्टाइपेंड 16,000 रहेगा, बस कैंटीन की फैसिलिटी रहेगी। तो आप कैसे अप्लाई करोगे, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ से जा कर के आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको हमारा पेड जॉब गाइडेंस सर्विस लेना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक एंजॉय करें हमारा पुणे का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो हमें कॉमेंट करें, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक है, जा कर के आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को शेयर करें जिनको भी पुणे में जॉब की नीड है, ठीक है। चलो फिर मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। बहुत बड़ी प्लांट है, बहुत बड़ी, कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबा प्लांट है, बहुत बड़ा। हम एक छोटे से एरिया में हैं अभी।